about cells, their structure and function in detail in the previous chapter. We know that a living organism are composed of cells, the thin layers of rock that robots look outward under the microscope, consists of a group of several cells which are named a member of the group a cell V. The group of cells, when we try to observe the part of animal and the microscope, like the left tail, internal muscles of fish, check it. Let us perform some activity to find out some functions that group cells are capable of doing. Activity 1. We would need okay, a glass stop. Number. Stop. Yes. Chapter 7, cellular structure, tissue. देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि बहुत सारे सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं, मल्टी सेलुलर का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे सेल, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे सेलुलर में सेल, ठीक है। तो बहुत सारे सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तब क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, याद है आपको। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल से ही वो बनते हैं, ठीक है। द थिन लेयर ऑफ कॉर्क दैट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेवरल सेल। जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले सेल को किसमें ऑब्जर्व किया, कॉर्क का थिन लेयर उन्होंने लिया था, मैचस्टिक लिया था, कॉर्क का थिन लेयर लिया था जिसमें उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। उसमें उन्होंने बहुत सारे सेल्स को देखा, ग्रुप ऑफ सेल को भी देखा, और हुक हैड नेम्ड अ मेंबर ऑफ द ग्रुप एज ए सेल, और उन्होंने इसी ग्रुप के मेंबर को, ग्रुप का जो मेंबर था उसको क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ओके माइक्रोस्कोप देखिए, हम ग्रुप ऑफ सेल को देख सकते हैं जब हम एनिमल या फिर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो जैसे लीफ पेल, इंटरनल लेयर ऑफ चिक, मसल ऑफ फिश या चिक एक्सेट्रा। Let us perform some activities to find out some functions that group of cell are capable of doing. चलिए यहाँ पर अब हम activity देखते हैं, group of cell को समझने के लिए, उनके function को समझने के लिए, ठीक है। Okay, read कीजिए। प्रीति निषाद read कीजिए, प्रीति को read करने दीजिए। Okay ma'am. We would need a glass tumbler, radium cutter or blade, hand lens and a plant with soft stems or firm leaf stalks like Amorphophallus or Jimikand, periwinkle, canna money plant to perform this activity. We would need two stalks of the plant. Take one stalk and cut the base uniformly to make it flat. Now observe it with hand lens. For periwinkle and money plant, it would be better to cut a transverse section of it and observe it under the microscope. Cut a longitudinal section of the stalk as well. You may take the help of the figure. First, for this, make a sketch of your observation. Add water to the cut section so that they don't dry up. Ma'am, completed. ओके, एक्टिविटी 1 के लिए आपको लेना है कांच का ग्लास, रेड इंक लेना है, कटर या फिर ब्लेड,
हैंड लेंस लेना है, अ प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट लेना है, नरम तना वाला एक पौधा आपको लेना है, ठीक है, या फिर फॉर्म लीफ स्टॉक, फॉर्म वाले जो लीफ होते हैं ना वो भी आप ले सकते हैं, जैसे एमार्फोफिलस, जैसे जिमीकंद का जो पौधा होता है वो भी आप ले सकते हैं, या मनी प्लांट भी ले सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्लांट का स्टॉक चाहिए होगा, ठीक है, कट करना होगा हमें उसके लिए, तो जैसे फिगर में दिखाया गया उस तरह से प्लांट का स्टॉक लेना है। टेक वन स्टॉक एंड कट द बेस यूनिफॉर्मली टू मेक इट फ्लैट। आपको एक स्टॉक को कैसे कट करना है, फ्लैट कट करना है ना, फ्लैट रख के देखिए, जैसे एक को वर्टिकल कट करना है, एक को ट्रांसवर्स दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखो, एक को आपको ट्रांसवर्स कट करना है, पतला लेयर लेना है, दूसरा आप खड़ी कांट कटेंगे, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको लेना है, ठीक है, दोनों को आपको पतला पतला सेक्शन लेना है, और इसे माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जर्व करना है। कट अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द स्टॉक एज वेल, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द फिगर वन फॉर दिस। इस एक्टिविटी को करने के लिए आप फिगर की हेल्प ले सकते हैं, फिगर को देखते जाएंगे और एक्टिविटी को करते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में जब आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके बाद उसका स्केच बनाना है कि आपको वो कैसा दिखाई दे रहा है। एड वॉटर टू द कट सेक्शन सो दैट दे डोंट ड्राई अप। और आप जो भी सेक्शन कट करते हैं, आप ट्रांसवर सेक्शन कट करें या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें, तो उसमें आपको वाटर डालना है ताकि वो सूखे मत, ठीक है, सूखने से हमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके, यस मैम, यस मैम, an empty glass tumbler and fill 3/4 of it water with water. आपको फिर से खाली ग्लास लेना है और उसको 3/4 पानी से फिल कर देना है। Add enough red ink, और इसमें आपको क्या डालना है, रेड इंक डालना है, जिससे वो जो सोल्यूशन है वो रेड, डार्क रेड कलर का सोल्यूशन बन जाए। Place other stalk of the plant in the tumbler. अब आपको क्या करना है, जो एक और स्टॉक आपने लिया है, प्लांट का जो एक और स्टॉक लिया है, उसको उस ग्लास के उस कांच के ग्लास में आपको डाल देना है जिसमें रेड इंक वाला सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसे सीधी खड़ी करनी है। नीयर द सेटअप इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स। इसको आपको क्या करना है, इस प्लांट को जिसे आपने कांच के ग्लास, रेड इंक वाले कांच के ग्लास में जो डाला है, उसे आपको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है। Now cut transverse and longitudinal section of this stalk and observe it carefully. अब आपको उसका transverse और longitudinal section cut करना है, जैसे कि figure में दिखाया गया है, बहुत ही thin layer लेना है और फिर उसे आपको microscope में observe करना है। What major difference do you find there while comparing your observation of both the stalk? आपको इन दोनों में क्या comparison दिखाई देता है जब आपने बिना red ink वाले stalk को cut किया और आपने red ink वाले stalk को cut किया तब, ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम रेड इंक वाले स्टॉक को कट करेंगे तो हमें जो सेल्स हैं, वो जो टिश्यूज हैं, वो क्लियरली ऑब्जर्व होती हैं, अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, खुले हुए दिखाई देते हैं, जैसे फिगर 1 में दिखाया गया है। स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन इसमें दिखाया गया स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, और लॉन्गिट्यूडनल दिखाया गया स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। अच्छा, डाइकोटिलेडोनस प्लांट क्या होते हैं, बता सकते हैं आप लोग? आपने पढ़ा नहीं है बेटा प्रीवियस क्लासेस में, 6, 7, 8, 9, 7, 8 में डाइकोटिलेडोनस, मोनोकोटिलेडोनस, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, पता है? देखिए, जब आप मटर लेते हैं, ठीक है, मटर और मेज, मक्के का बीज, आप दोनों को वाटर में डीप कर दीजिए, भिगा कर रख दीजिए पानी में, ठीक है, सुबह आप देखते हैं तो जो मटर को जब आप खोलते हैं, ठीक, तो उसमें आपको 2 पार्ट दिखाई देते हैं, मटर को आप खोल सकते हैं ना, तो उसमें 2 पार्ट दिखाई देते हैं, यस मैम, लेकिन क्या मेज जो है वो 2 पार्ट में दिखाई देता है क्या, 2 पार्ट में बढ़ जाता है क्या?
नो मैम, नो मैम डाई होता है ना, तो देखिए जिसमें दो पार्ट आपको दिखाई देंगे वो डाई कॉटिलेडोनस सीड्स होते हैं, ठीक है। और इसी को ऐसे ही जो सीड वाले जो पौधे होते हैं वो किसमें आते हैं, डाई कॉटिलेडोनस प्लांट में आते हैं, ठीक। और इसी तरह से जिसमें आपको एक ही पार्ट दिखाई देता है वो मोनो कॉटिलेडोनस प्लांट होते हैं, ठीक है। यस मैम, जैसे कि ग्राम चना, ये क्या होगा, डाइकोटिलेडोनस या मोनोकोटिलेडोनस? मैम डाइकोटिलेडोनस, डाइकोटिलेडोनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो प्लांट लिया गया है वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट लिया गया है जिसमें हम टिश्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्टेम को ऑब्जर्व किया गया। व्हाई डू यू थिंक ओनली सम एरियाज आर रेडिश इन द सेकंड स्टॉक? देखिए जो सेकंड स्टॉक हमने लिया है उसमें कुछ एरिया ही आपको रेडिश दिखाई देंगे, रेड कलर के दिखाई देंगे। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, हमने जो सेकंड स्टॉक लिया है जिसे हमने रेड इंक में डीप करके रखा था, जब हम उसको देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ जगहों पर ही हमें रेडिश दिखाई देता है और बाकी जगह पर रेडिश दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम। नो मैम। ओके, नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक। तो कैन वी से That these areas are involved in conduction of water in the stem? क्या आप बता सकते हैं ये जो area है वो water के conduction में involved होते हैं, मतलब water को transfer करने में, वो plant के other part तक transfer करने में responsible होते हैं जो stem होते हैं? यस, जो स्टेम होते हैं ना, देखिए जब आप उसको डीप करके रखते हैं रेड इंक में तो प्लांट का जो अदर पार्ट है वो वहां तक भी रेड इंक जो है वो फैल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेम होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है। ओके, वी कैन क्लियरली सी दैट द सेल इन द कलर्ड एरिया आर अरेंज्ड इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम दोज अराउंड देम। देखिए जब आप कलर्ड एरिया, कलर्ड वाला स्टेम का जब सेक्शन कटिंग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है सेल का, जो अरेंजमेंट होता है वो आपको डिफरेंट मैनर में दिखाई देता है, बहुत अच्छी तरह से अरेंज दिखाई देता है, ठीक है। दिस एरिया आर इन्वॉल्व इज यूजुअली इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इन अ प्लांट। ये जो एरिया होते हैं वो जनरली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वाटर को ऊपर तक पहुंचाने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी टू, कोई रीड कर रहा है? रवि गुप्ता रीड कीजिए। रवि गुप्ता, मैं करूं? आयशा, कनीज, आय कनीज, आयशा। यस मैम, रीड कीजिए बेटा। आपको कितने लेट से क्यों रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत जवाब क्यों नहीं देते हैं आपको? रीड कीजिए एक्टिविटी टू। यस मैम, फॉर दिस वी वुड रिक्वायर क्लीन क्लॉथ, क्लीन कॉटन क्लॉथ, ग्राम, मून सीड, प्लेट, फोर बाउल, स्लाइड, कन्वर्स स्लिप, रेड इंक, माइक्रोस्कोप, कैंडल, मैच बॉक्स। शोक अराउंड 30 seed either of gram or in a bowl for at least 6.7 hour. You are many them. Remove that seed from the bowl and seed loosely be them up in a cotton cloth
the clock from time to time so that the sheet don't dry up. The sheet would terminate and in two, three days they would have quite a long radical. Choose 10 sheets that have a long clear radical. Keep 5 of these in a bowl A. Put the other 5 in a bowl B. Now measure the length of all radicals of bowl A and B. You may use a sheet for the same length for first put around a 3 meter of the tip of radical of bowl B and put the cut end in bowl C. Keep them moistured so they do not dry. Let them grow for another 3-4 days. On the 5th day, measure the radicals once again. Which bowl had longer radicals? Stop. एक्टिविटी टू में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मटेरियल चाहिए क्लीन कॉटन क्लॉथ, मतलब साफ कॉटन क्लॉथ चाहिए, ग्राम या फिर मूंग का सीड चाहिए, ब्लेड, फोर बाउल्स, लाइट, कवर स्लिप, थ्रेडिंग, माइक्रोस्कोप, कैंडल एंड मैच बॉक्स. आपको क्या करना है, आपको 30 सीड लेने हैं ग्राम या फिर मूंग का, चना या फिर मूंग का आपको 30 बीज लेने हैं और उसको 6 to 7 आवर के लिए भिगा कर रख देना है. एक बाउल में लेना है और भिगा कर रख देना पानी में, ठीक है. यू मे देन रिमूव द सीड फ्रॉम द बाउल. अब आपको क्या करना है, उन बीजों को बाउल से निकाल लेना है और उसको एक गीले कपड़े से, कॉटन का जो आपने क्लॉथ लिया है उसको गीला करके उन जो सीड्स हैं जिसको आपने भिगाया है उसको लूजली टाइट करके रख देना, बांध के रख देना. जैसे आप लोग बीजों को अंकुरित करने के लिए, चने को अंकुरित करने के लिए कैसे करते हैं, उसको भिगाते हैं फिर उसको गीले कपड़े में बांध कर रख देते हैं ना, उसी तरह से आपको उसको बांध के रखना है. ओके, यस मैम. Spread the cloth from time to time. अब उस जिसमें आपने सीड्स को बांध कर रखा है जिस कपड़े में, उसको आपको टाइम टू टाइम आपको भिगाते रहना, गीला करते रहना, ताकि वो सूखने ना पाए, जो बीज है वो सूखने ना पाए. ठीक, तो आप क्या देखते हैं, टू टू थ्री डेज में जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित होने लग जाता है. ठीक है, उसमें आपको लंबे रेडिकल दिखाई देने हैं, सफेद कलर के आपको पार्ट दिखाई देते हैं, लंबे रेडिकल दिखाई देते हैं. यस मैम, यस मैम. अब उसमें से 10 सीड्स आपको लेने हैं, 10 बीज आपको लेने हैं जिसमें से आपको क्लियर रेडिकल दिखाई दे, जिसमें लंबे और क्लियर रेडिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 10 बीजों को आपको लेना है. 5 जो सीड आपने लिया है उसको बाउल ए में रखना है और 5 सीड्स को आपको बाउल बी में रखना है. अब आपको दोनों का जो रेडिकल का लेंथ है उसको मेजर करना है, आप उसको थ्रेड के हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं. ये जो लेंथ होगा वो फर्स्ट डे का लेंथ होगा, ठीक है, पहले दिन का लेंथ आपने जो मेजर किया वो होगा. ठीक, अब आपको क्या करना है, बाउल बी में जो आपने सीड्स लिए हैं उसमें जो रेडिकल निकले हुए हैं, लॉन्ग और क्लियर रेडिकल जो निकले हुए हैं, उसको आपको कट कर देना है और उन रेडिकल्स को बाउल सी में रखना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर. ठीक है, ठीक, यहाँ पर सिर्फ रेडिकल है. ठीक, रेडिकल को आपको रख देना है. अब आपको लेट दम ग्रो फॉर अनदर 3-4 डेज. ऑन द 5th डे मेजर द रेडिकल वंस अगेन. 3-4 दिनों तक लगातार इसका मेजरमेंट लेना है, बाउल ए, बाउल बी और बाउल सी में जो रेडिकल्स दिखाई दे रहे हैं उन सबका आपको मेजरमेंट लेना है और आपको यहाँ पर जो टेबल दिया है उसको फील करना है. टेबल 1 में आपको बताना है लेंथ ऑफ द रेडिकल, फर्स्ट डे कितना था, सेकेंड डे कितना था, बाउल ए के रेडिकल में कितना क्या उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, फर्स्ट डे में, फिफ्थ डे में क्या कितना वो इंक्रीज हुआ, बाउल बी में भी इसी तरह से फील करना है. विच बाउल हैड लॉन्गर रेडिकल आफ्टर द 5th डे, डिड द रेडिकल ग्रो आफ्टर देयर टिप्स वर कट. तो इसका आंसर चलिए हम एक्टिविटी 3 में देखेंगे. ओके, यस मैम, एक्टिविटी 3 हम देखते हैं. किसी को रीड करना है, मुस्कान जोशी रीड कीजिए. यस मैम. We will use the freshly cut tips of bowl 3. You may do this activity as soon as you cut the tips of the radical. In activity 2, take a cut tip
and place it one a few drops of water on a slide heat and slide on the candle flame for some time. Do not let the water dry up completely. Now add a drop of diluted red ink of sarsaparilla and cover it with a cover slip. See to it that no bubbles remain under the cover slip. Now gently tap the cover slip with the back of your pen of flatten the tips. Observe the slide under the microscope. Take the help of figure 4 for your observation. Make a sketch of what do you observe. Ma'am, ye page complete ho gaya, aage bhi read karu. आगे रीड करो. यस मैम. इन विच ऑफ द बाउल द ग्रोथ ऑफ रेडिकल कंटिन्यूड. व्हाट डू यू थिंक इन इज द फंक्शन ऑफ द टिप ऑफ रेडिकल. यू हैव दस ऑब्जर्व दैट टिप्स ऑफ द रेडिकल हैव द सेल्स दैट वर प्रीपॉसिबल ऑफ फॉर ग्रोथ. वंस दिस वर रिमूव्ड द टिप्स डिड नॉट ग्रो इन अ बाउल बी व्हाइल अ ग्रोथ कंटिन्यूड एज द सेल वर present. We observe so fair in activity 1, 2 and 3 that there are some groups of cells that conduct water in plants, while there are some other that cry out growth in plants. We also observe that their arrangement different from this around them. We may thus say that cells are arranged in a living organism in particular patterns to carry out one or more functions. Such arrangement of groups of cell are called a tissue. Ma'am, completed. Okay, stop. Activity 3. We will use the freshly cut up tips of bowl 3. Bowl 3 में हमने जो freshly cut up tip लिया था, मतलब radical जो लिया था, you may do this activity as soon as you cut the tip of the radical in activity 2. या फिर आपने एक्टिविटी 2 में जैसा किया था. ठीक है, यहाँ पर हम एक्टिविटी 3 से ही ले लेते हैं. जो हमने बाउल लिया था, बाउल 3 हमने जो लिया था जिसमें हमने सिर्फ रेडिकल लिया था, वो रेडिकल्स को आपको क्या करना है, टेक द कट टिप एंड प्लेस इट ऑन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड. उसका एकदम पतला सा जो टिप रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है पॉइंटेड एरिया, वहीं पर का हमें छोटा सा टिप कट करना है और उसे एक स्लाइड में वाटर लेकर, वन ड्रॉप वाटर लेकर उसमें डीप कर देना है जो हमने कट लिया है. ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, उसको वाटर से निकालना है. वाटर से निकालेंगे नहीं, उसी में रहेगा. ठीक, उसको आपको हीट करना है, हल्का हल्का हीट करना है. तब तक आप हीट करेंगे जब तक कि वाटर पूरी तरह से सूख नहीं जाता, तब तक आप उसको हीट करेंगे. ठीक, हीट करने के बाद आप उसको हटाएंगे और उसमें आप कवर स्लिप को लगा देंगे. ठीक है, कवर स्लिप को आप इतनी सावधानी से आपको कवर स्लिप लगाना है कि उसमें बबल्स नहीं रहने चाहिए, आपको उसमें बुलबुले नहीं दिखाई देने चाहिए. ठीक है, अब इसको आपको हल्का सा कवर स्लिप जो आपने लगाया उसमें से हल्का सा आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद जैसे वो फ्लैट हो जाता है, हल्का सा फ्लैट हो जाएगा, चपटा जैसे हो जाएगा, फिर उसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना है. ठीक है, तो जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो फिगर 4 में जैसा दिखाई दे रहा है उस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा. देखिए फिगर 4, देखिए पेज नंबर 100 में. दिख रहा है सभी को अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द टिप ऑफ द रेडिकल. रेडिकल के टिप में कैसे सेल का अरेंजमेंट दिखाया गया. ठीक है, यस मैम. और जो सर्कल एरिया है यहाँ पर बीच में सर्कल एरिया दिखाया गया है. देखिए, दिख रहा है सर्कल एरिया. यस मैम. यस मैम. तो सर्कल एरिया क्या शो करता है, सेल के फास्ट ग्रोइंग को शो करता है कि सेल कितनी तेजी से बढ़ रहा है. ठीक है, यस मैम. ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यू हैव दस ऑब्जर्व दैट द टिप ऑफ द रेडिकल हैड द सेल दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेडिकल का जो टिप होता है वो सेल के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. वंस दिस वर रिमूव्ड द टिप डिड नॉट ग्रो इन बाउल बी. अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो जो टिप होता है बाउल बी में जो दिया हुआ है वो ग्रो नहीं करता है. ठीक है, वाइल इन ए ग्रोथ कंटिन्यूसली, देखिए जो
बाउल ए में जो हमने सीड लिए थे उसमें का जो रेडिकल होता है वो कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, ग्रोथ करते रहता है क्योंकि उसमें सेल प्रेजेंट होते हैं. We observe so far in activity 1, 2 and 3 that there are some groups of cells that conduct water in plant while other are some other that carry out growth in plant. मतलब activity 1, 2, 3 में हमने क्या देखा कि कुछ जो cell होते हैं वो water का conduction भी करते हैं. देखा है ना अभी हमने कुछ जो cell होते हैं कुछ cells के जो group होते हैं वो water का conduction करते हैं और जबकि कुछ जो होते हैं वो plants के growth में help करते हैं. We also observe that their arrangements differed from those around them. इसी तरह से हमने सेल के अरेंजमेंट को देखा जो कि अलग अलग होता है. We may thus say that cells are arranged in living organism in particular pattern to carry out one or more function. इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल का जो अरेंजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है जो कि अलग अलग फंक्शन करता है और बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे काम करता है. ठीक है. और ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल के इन्हीं ग्रुप के अरेंजमेंट्स को ही टिश्यू कहा जाता है. क्लियर है यहाँ तक? यस. टिश्यू किसे कहा जाता है मैम? किसे कहा जाता है टिश्यू मैम? सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू कहा जाता है. ठीक. ओके. यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ओके. तो अभी मैं आप लोगों को चैप्टर 6 के बैक एक्सरसाइज के नोट्स सेंड कर रही हूँ. ठीक. आप लोग नोट, अच्छा बैक एक्सरसाइज मैंने सेंड कर दिया था ना आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर रही हूँ, उसको आप लोग नोट कर लेंगे. ओके. यस यस मैम. यस मैम.